आज वीकेंड के बाद पे घर घर में हिना खान मैम को देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से उन्होंने जो चीज़ें बोली ना, हम इतने दिन से जो चीज़ें बोलते थे ना करण को, वो चीज़ें हिना मैम ने जिस वे में उसको बताई ना, फिर भी उसको कुछ समझ में आता तो है नहीं, लेकिन हिना मैम ने उसको बहुत अच्छे से एकदम रियलिटी चेक दे दिया। अभी देखते हैं उनके फैन को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लेकिन जो करण के लिए अच्छा है वही वो नहीं करता, वो बाकी सारी चीज़ें वो करता है। तो अभी क्या ही बोलेंगे। तो सबसे पहले आज के वीकेंड के बारे में सलमान सर ने स्टार्टिंग से आज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया, जो कल के एपिसोड में नहीं हुआ था। तो सबसे पहले उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई और उनसे एक टास्क भी करवाया, उनको डेयर दे दिया। उसके बाद जो डेयर था ना, वो रिंग को जो व्हील थी ना उसको घुमाना था और जो आएगा वो करना था। सबसे पहले यामिनी जाती है और यामिनी जाके उसको इम्प्रेस करने का आता है, तो वो अविनाश को बोलती है इम्प्रेस करने के लिए, और वहाँ पर वो बहुत अच्छे से इम्प्रेस करता है उसको। सेकेंड नंबर पे इडीन जाती है और इडीन जो है ना उसको जो आया था ना कि किस मतलब उस बंदे का चेहरा ही नहीं देखेगी, तो उसने चूज़ किया करण को कि इस कंटेस्टेंट का मैं कभी भी चेहरा नहीं देखूंगी। और थर्ड थी ये आदित्य, जो कि उनके लिए डांस आया था और उन्होंने जो करण के साथ क्या बोलेंगे इतना हॉट डांस किया था ना, करण स्टार्टिंग में किया लेकिन उसके बाद वो ऐसे अनकम्फर्टेबल हुआ या क्या हुआ या पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हॉट डांस था। क्या अभी जाने दो उसको, अभी क्या ही बोलेंगे, लेकिन ठीक है। उनका डांस किया उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही इंटरटेनिंग मेट सेक्शन था। और बेसिकली जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है ना, उनको एक चीज़ बताई, वो जो तीन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट है ना, वो उतना कुछ नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक टास्क करवाया जो मुँह दिखाई करवाई उन तीनों वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की, और पुरानी लड़कियों को मौका दिया उनके चेहरे पर स्प्रे मारने का। और ज़्यादातर लोगों ने ना यामिनी का नाम लिया और यामिनी के ऊपर स्प्रे मारा और अपने अपने रीजन दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सलमान सर ने यामिनी की तारीफ की और उसको बोला कि तीन वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में से ना बस यामिनी दिखती है ज्यादा, बाकी दो तो एक शैडो बन चुकी है। और इनको एक क्लियर हिंट दिया उन लोगों की, अगर आपने अभी दिखा नहीं, आप कुछ शो में दिखे ही नहीं ना, तो आपका कोई मतलब है नहीं। तो रिश्ते बनाओ, दोस्त बनाओ, दुश्मन बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन कंटेंट दो, क्योंकि इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। तो इसीलिए मैं भी एक हिंट दिया उन लोगों को। उसके बाद ना और एक टास्क हो गया उनके बीच में, जो कि वहाँ पे नमक लगाना था, नमक उनके ऊपर डालना था, कि आपको ये बताना था कि आपसे कौन जलता है। तो एक एक करके सब लोग जाते हैं। सबसे पहले ना विवेन जाता है और वो डिग्विजय को, विवेन कशी दोनों डिग्विजय को उसके ऊपर नमक डालते हैं और ये बोलते कि ये बहुत ज़्यादा जलता है उसको कुछ, और अपने अपना जो रीज़न था कशिश और विवेन देता है। उसके बाद ईशा एलेक्स और अविनाश करण के ऊपर जो नमक का होता है वो डालता है। उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं चुम जो है ना वो करण की ही बातें बोलने लगी है, जो करण का दुश्मन है ना वो उसका भी दुश्मन है। मतलब जो उसकी हरकत है ना अभी, सेम करण का कोई दुश्मन होगा वो उसका दुश्मन, उसका कोई दोस्त होगा वो उसका दोस्त हो जाएगा। अभी उसका इंडिविजुअल गेम, एक तो करण खुद का गेम खराब किया, अभी चुम का भी गेम खराब करने में लगा हुआ है। अभी पता नहीं, अभी चुम का नंबर कभी भी आ सकता है, जिस तरह से एलेक्स का नंबर आया ना। तो उसके बाद आदित्य ने अदीन का किया, अदीन ने आदित्य को किया। उसके बाद शिल्पा ने रजत को किया, रजत ने शिल्पा को किया। तो टिट फॉर टैट तो इन लोगों ने किया है, तो मज़ा तो बहुत आएगा। उसके बाद ना श्रुतिका ने कशिश को किया। उसके बाद चुम मैडम आती है, अविनाश को करती है और उन करो तुम्हारा खुद का रीजन दो ना, लेकिन वहां पर उसका रीजन होता है कि इसने करण के साथ जो किया ना वो गलत था। मतलब क्यों भाई, खुद की पर्सनालिटी कुछ है क्या? नहीं जानने दो अभी क्या है। करण के लिए उसने बोला इसलिए, और करण देख रहा था इसे शौक हो कि मेरा रीजन दे दिया, और उसने अविनाश को किया ही नहीं, फिर उसने रजत को किया।
क्योंकि करण भी शॉक हो गया उसके बाद। उसके बाद ये टास्क खत्म हुआ, देन उसके बाद इविक्शन हुआ एलेक्स का, और सर ने उससे पहले पूछा कि किसको लगता है कि आज वो घर से बेघर होगा, और एलेक्स को भी खुद लग रहा था कि मैं घर से बेघर होगी, और उसने खुद हाथ ऊपर किया था कि मुझे लग रहा है मैं घर से बेघर होगी, और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली घर से बेघर हो चुकी है। और मुझे तो लगता है उसके खुद के करियर के लिए और उसके खुद के लिए ये बहुत अच्छा था कि अभी वो इविक्ट हो चुकी है, क्योंकि वो दिल से तो बहुत अच्छी है लेकिन उस घर के हिसाब से ना बहुत अलग दिख रही थी। तो जो हमारे एलेक्स है वो युक्त हो चुकी है। उसके बाद ना हिना खान आती है, जो कि उनको शेर खान नाम से सब लोग बुलाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अलग वे मतलब अलग बीमारी से वो अभी जा रहे हैं, लेकिन गॉड उनको बहुत अच्छी हिम्मत देते हैं उससे लड़ने के लिए, बहुत अच्छी क्षमता देते हैं, यही प्रे करते हैं। लेकिन वो आके ना बहुत अच्छे से सबको मिलती है, सर से मिलती है। उसके बाद वो एक टास्क करवाती है, और टास्क से पहले सब लोगों को अपने अपने ग्रुप के हिसाब से बैठने को बोलती है। ए बी सी ऐसे तीन ग्रुप होते हैं, और जो बीच में हमारे चाहत मैडम होती है ना, ना उसका दोस्त है ना दुश्मन है, वो किसी भी ग्रुप में जाके नहीं बैठती, या मिनी और चाहत किसी भी ग्रुप में नहीं बैठती, अकेले बैठती वहाँ पे जाके। उसके बाद एक टास्क करवाती है, जो रैटन सदस्य घर में कौन है ना उसको बताना होता है। सबसे पहले अविनाश आता है, और अविनाश ना रजत और करण का नाम लेता है, वो बोलता है कि विक्टिम कार्ड खेलता है शिल्पा जी की, और ये सारी चीज़ें बोलता है। बिल्कुल अविनाश ने बिल्कुल सही बोला उसको, लेकिन यहाँ पर उसका एटीट्यूड कुछ अलग ही होता है करण का। लेकिन यहाँ पर इतना मुझे उसके जो करण का रियलिटी चेक से वो भाग रहा था ना, उसको खीना मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, और उसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, जो सबको क्वेश्चन पूछता रहता है ना उसको क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि शिल्पा ने तुम्हें ये किया, उसका क्या रीज़न था, क्या कैलकुलेशन था, उसका कोई भी सिर पर ही नहीं था, वो उसका ठीक है, उसने गलत किया है उसका ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि उसने तुम्हें किया नहीं। एज अ फ्रेंड अपने ही फ्रेंड को नॉमिनेट करना ये कितना इंसल्टिंग होता है, और तुम्हें कुछ डिग्निटी नाम की कोई चीज़ होती है क्या नहीं, तुम क्यों फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, उसके जवाब में उसका कोई मतलब उसके रिप्लाई में उसका कोई जवाब भी नहीं होता। वहाँ पर भी उसका एटीट्यूड नहीं, इतना गंदा एटीट्यूड था उनके सामने भी। हाँ मैं ऐसा एटीट्यूड था उसका, वो कभी सुधरेगा नहीं, उसको कुछ बेइज्जती वाली फीलिंग ही नहीं आती। और हिना मैम ने बहुत अच्छे से बोला कि आपकी जो दोस्ती है ना कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती है, ये कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से आपका ग्रुप है, कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी दोस्ती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम इतने दिन से बोल रहे थे ना, वो हिना मैम ने आज उसको बोल दिया, उसको एक आईना दिखाया, फिर भी उसका एटीट्यूड यहाँ पे था, वो भी मान भी नहीं रहा था, कुछ और ही बोल रहा था। और उसके ऊपर हिना मैम ने बोला कि तुम देखो ना देखो, तुम एक्सेप्ट करो ना करो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन उन्होंने उसको बोला कि आप में पोटेंशन है, लेकिन उस पोटेंशन का क्या करेंगे, वो खेलता ही नहीं। और जब एलेक्स इविक्ट हुई तो उसके पीछे इतनी सारी बातें बोल रहा था कि देखो ये घर में ना बस पराठे बनाती है और ये करती है वो करती है, तुम भी वो तो बनाती है अच्छा काम करती है, तुम तो बस खाने का काम करते हो और साइकिल चलाने का, उससे कम तुम्हारा कंट्रीब्यूशन था इस गेम के अंदर, और तुम्हारा पोटेंशन जो भी तुम्हारा है उसको क्या क्या करना है, खाना है क्या उसको सुबह के ब्रेकफास्ट में, जो किसी काम का ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हिना मैम से भी अकड़ के बात कर रहा था, उन्होंने इतनी अच्छे से समझाया, फिर भी वो कभी सुधरेगा नहीं। उसके बाद ईशा ने आदित्य और दिग्विजय को किया, सब एक एक बारी बारी आके सब ने किया, तो टास्क हिना मैम ने लिया, बहुत अच्छे से लिया, सबके अपने ओपिनियन बाहर निकले, और वही वही ओपिनियन वही वही रीज़न थे, तो ठीक है। लेकिन हिना मैम को देख के बहुत अच्छा लगा घर के अंदर। तो उसके बाद ना रजत ना बहुत ही एपिसोड खत्म होने के बाद भी रजत और उसकी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई। उसको ना बस सबको बच्चा बच्चा बोलना होता है कि तुम जूनियर हो, इसको कौन लेके आए इस शो के अंदर, अगर वो खुद को उतना ही बुढ़ा समझ रहा है तो क्यों आए हो भाई, जाओ यहाँ से प्लीज़ जाओ, क्या क्यों आए पता नहीं, इतना सीनियर है तो क्यों आया है इस शो के अंदर। आज का वीकेंड का बार इतना ही था, तो अच्छा लगा ही ना मैम को देख के, स्पेशली एलेक्स इविक्ट हो चुकी है, करण और शिल्पा जी की जो कन्वीनियंस की सबसे दोस्ती होती है ना वो भी एक्सपोज की मैम ने, फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो आज के एपिसोड में इतनी सारी चीज़ें हुई, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।